हेलो बिगिनर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वी सी द टॉपिक थ्री स्कैमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कैमा आर्किटेक्चर इज नॉट सिमिलर टू द डीबीएमएस आर्किटेक्चर। थ्री स्कैमा आर्किटेक्चर हमको डेटाबेस किस तरह से स्टोर होता है वो बताता है, और डीबीएमएस आर्किटेक्चर वो हमें हमारा नेटवर्क किस तरह से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो बताता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन और थ्री लेवल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में तीन लेवल होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल लेवल, सेकंड इज एक्सटर्नल लेवल एंड थर्ड इज अ कंसेप्चुअल लेवल। दीज आर द मेन कीवर्ड ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज यूज टू सेपरेट फिजिकल डेटाबेस एंड यूजर डेटा। ये आर्किटेक्चर का यूज करके हम हमारे डेटा को तीन लेवल में अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी सी स्ट्रक्चर ऑफ द थ्री स्केम आर्किटेक्चर। उसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल लेवल, सेकंड है कंसेप्चुअल एंड थर्ड इज इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल, इन दिस लेवल यूजर कैन इनपुट अवर डेटा, मीन्स हम इस लेवल के थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी सी कंसेप्चुअल लेवल, मीन्स कंसेप्चुअल लेवल गिव्स अ रिलेशनशिप विथ अ डेटाबेस, मीन्स हमारा जो डेटा हमने जो ऐड किया है उसे उसमें कोई डेटा कनेक्टेड है तो वो हमें ये लेवल बताता है। आफ्टर दैट वी सी इंटरनल लेवल, स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस स्टोर होता है मीन्स हमारा डेटा इस लेवल में फिजिकल डेटाबेस में स्टोर होता है। आफ्टर दैट वी सी इंडिविजुअल थ्री लेवल। फर्स्ट वी सी एक्सटर्नल लेवल, इस लेवल को हम व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। इन एक्सटर्नल लेवल यूजर डेटा इज स्टोर सेपरेटली। एक्सटर्नल लेवल इज इंटरैक्ट विथ एंड यूजर। दिस लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल बिकॉज यूजर इस लेवल में अपना डेटा देख सकता है। यूजर अपना डेटा सेपरेटली स्टोर कर सकता है। ये लेवल यूजर के साथ कनेक्टेड होता है। आफ्टर दैट वी सी कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल इज गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटाबेस। कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द विच डेटाबेस हैज रिलेशनशिप विथ अनदर डेटाबेस। दिस लेवल इज लॉजिक कॉल लॉजिकल लेवल बिकॉज इस लेवल में लॉजिकली सब रिलेशनशिप डिफाइन होती है। ये लेवल हमें डेटाबेस का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करके देता है। आफ्टर दैट वी सी इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। इंटरनल लेवल डिस्क्राइब द फिजिकल डेटा स्टोर स्टोरेज स्ट्रक्चर। इंटरनल लेवल इज यूज टू डिफाइन हाउ डेटा स्टोर इन द स्टोरेज। दिस लेवल इज कॉल्ड फिजिकल लेवल बिकॉज इस लेवल में यूजर का डेटा फिजिकली स्टोर होता है। ये लेवल में हमें डेटाबेस किस तरह से स्टोर हुआ है वो बताता है। आफ्टर दैट देर आर सम मैपिंग इन द आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग। एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग लाइज बिटवीन द एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग। इस मैपिंग का यूज करके एक्सटर्नल लेवल का सारा डेटा कंसेप्चुअल लेवल में आ जाता है। देर आर अनदर वन मैपिंग, दिस इज कंसेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग। द इंटरनल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग लाइज बिटवीन द इंटरनल लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल। सेम उसका भी वर्किंग वैसे ही था जैसे इन एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग का था। ये लेवल कंसेप्चुअल लेवल का सारा डेटा इंटरनल लेवल को ट्रांसफर करता है। डेटा इज ट्रांसफर यूजिंग दिस मैपिंग। विदाउट दिस मैपिंग डेटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट वी सी समरी। ये वीडियो में हमें क्या देखा, ये वीडियो में हमें देखा फर्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल,
External level is called view level. User can interact with this level. After that, we see conceptual level. Conceptual level is called logical level. This level is given relationship between the two database. After that, we see internal level. Internal level is called physical level. हमारा डेटाबेस फिजिकली उसमें स्टोर होता है. आफ्टर दैट वी सी टू मैपिंग. फर्स्ट इज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. दिस मैपिंग इज लाइव बिटवीन द एक्सटर्नल लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल. आफ्टर दैट वी सी कंसेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग. दिस मैपिंग इज लाइज बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल. थैंक यू.